ब्लू रिंग ऑक्टोपस पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया और जापान में पाया जाता है। ब्लू रिंग ऑक्टोपस का वजन सिर्फ 30 ग्राम होता है, लेकिन ये अपने छोटे साइज के बावजूद बहुत खतरनाक होता है। इस छोटे से ऑक्टोपस में 20 अफराद को हलाक करने के लिए काफ़ी जहर मौजूद होता है, लेकिन ये इंसानों के साथ किसी भी किस्म का तसादुम करने से गुरेज करते हैं। समंदरी सांपों की तकरीबन 30 से 50 इकसाम मौजूद हैं। ये ज़्यादातर पैसिफिक और इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। ये मखलूक कोबरा ख़ानदान का हिस्सा है और इसकी लंबाई तकरीबन 2 मीटर होती है। समंदरी सांप जारहाना नहीं होते, लेकिन ख़तरनाक जहर की वजह से इनका शुमार समंदर की ख़तरनाक मखलूकात में होता है। इनके जहर के 3 कतरे 18 अफराद को हलाक कर सकते हैं। अगरचे समंदरी सांप इंसानों से पोशीदा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके साथ कुर्बत इख्तियार करना ख़तरनाक हो सकता है। गोंसने सिर्फ 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और काफ़ी मासूम लगते हैं, लेकिन इनके जहर का सिर्फ 1 कतरा 20 अफराद को हलाक करने के लिए काफ़ी है। कौन स्नेल इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, कैरेबियन, रेड सी और फ्लोरिडा के साहिल तक पाया जाता है। इस किस्म की मखलूक से कहीं भी किस्मत आजमाना मौत का सबब बन सकता है। स्टोनफिश ऐसी मखलूक है जिसे दुनिया की सबसे जहरीली मछली कहा जाता है। ये 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक स्टोनफिश का जहर तकलीफ दे दर्द, आर्जी फालिश और यहाँ तक के दिल की नाकामी का सबब बन सकता है। स्टोनफिश दरअसल किसी पर हमला नहीं करती, ये मखलूक अपना जहर सिर्फ अपने दिफा के तौर पर इस्तेमाल करती है। ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश एक खतरनाक तरीन आबी हयात है। बदकिस्मती से अगर इसका जहर किसी इंसान में मुंतकिल हो जाए तो इसे कार्डियक अरेस्ट, फॉलेज और मौत का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।